हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छी हॉलीवुड हिंदी दब फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ये इस सीरीज़ का पार्ट 8 अगर आपको गुबागी के पार्ट्स देखने तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर इन फिल्मों में से किसी का भी लिंक रिमूव हो जाए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम से लिंक मांग सकते हो, मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छी फिल्मों को लिया है, इसमें आपको रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, स्पाई सब तरह की फिल्में देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए वीडियो पर आगे तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो सो गाइज प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है एंडलेस लव। दोस्तों, मूवी 2014 में आई थी, एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 45 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3 की रैंक मिली हुई है। गाइस, अगर आपको एक रोमांस फिल्म देखना है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये फिल्म रोमांस से भरपूर है, तो फिल्म काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 10वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है स्पाई किड्स टू द आइलैंड ऑफ लॉस्ट ड्रीम्स। दोस्तों, मूवी 2002 में आई थी, एक फैमिली एक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 48 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.2 की रैंक मिली है। दोस्तों, इस फिल्म में जून्मी और कारमेन की स्टोरी को दिखाया है जो जासूस रहते हैं। तो अगर आपको स्पाइस मूवी देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको 9वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है टू गन्स। दोस्तों, मूवी 2013 में आई थी, एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 49 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.7 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में 2 अंडरकवर एजेंट रॉबर्ट और माइकल की स्टोरी को दिखाया है जो ड्रग लॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो पकड़ पाते हैं ना, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है बैड बॉय 2। दोस्तों, इस फिल्म का यूट्यूब लिंक मैं एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर दे रहा हूँ। सो गाइस, इस फिल्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये फिल्म आपको हिंदी दब में मिल जाएगी। मैं आपको बता दूँ, इस फिल्म की आपको कुछ क्लिप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप उन क्लिप्स को देखोगे तो आपकी जो पूरी फिल्म है वो कवर हो जाएगी। तो अगर आपको भी कोई फिल्म चाहिए यूट्यूब पर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस फिल्म को प्रोवाइड करा दूंगा। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है बेबीलोन AD। दोस्तों, मूवी 2008 में आई थी, एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 41 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 5.6 की रैंक मिली हुई है। सो गाइस, काफ़ी अच्छी साइंस फिक्शन मूवी है, पूरी फिल्म साइंस फिक्शन से भरपूर है। आपको इस फिल्म में एक्शन भी देखने को मिलेगा। इस फिल्म के कास्ट में है विन डीजल, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिल्म कैसी होगी। इस फिल्म का लिंक मैं आपको 6वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है सुपर 8। दोस्तों, मूवी 2011 में आई थी, एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 52 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कुछ खास सामान रहता है। उसमें ऐसा क्या सामान रहता है जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर आपको किड्स से रिलेटेड फिल्म देखना पसंद है तो भी ये फिल्म आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस फिल्म का लिंक मैं आपको 5वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है जॉनी इंग्लिश। दोस्तों, मूवी 2003 में आई थी, कॉमेडी एक्शन मूवी है। इस फिल्म का रनिंग टाइम है 1 आवर 29 मिनट। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 6.2 की रैंक मिली हुई है। सो गाइस, काफ़ी अच्छी कॉमेडी मूवी है। अगर आपको कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है ना तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, आप प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखना। ये फिल्म आपको काफ़ी पसंद आएगी, सच में यार मेरे को बहुत पसंद आई ये फिल्म। आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी और इस फिल्म का लिंक मैं आपको 4वें नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है ओशियन 11 पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों, इस फिल्म में डैनी ओशियन की स्टोरी को दिखाया है जो अपने मास्टरमाइंड की मदद से चोरी करने की प्लानिंग बनाता है। सो अगर आपको हाइस्ट से रिलेटेड फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस फिल्म का लिंक मैं आपको 3रे नंबर पर दे दूंगा। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है लूसीफर। दोस्तों, लूसीफर एक काफ़ी अच्छी टीवी सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल टीवी सीरीज़ है। पिछले इस वीडियो में मैंने आपको season 1 का episode 2 दिया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको season 2 का, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, पूरे season 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वहाँ पर पूरे 17 एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिस्ट में 1रे नंबर पर आती है गेम ऑफ थ्रोन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गेम ऑफ थ्रोन के season 8 के 2 और 6 एपिसोड के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको बाकी के एपिसोड के लिंक चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना। इस सीरीज़ के अभी और भी पार्ट्स आएंगे, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।